बार चल दुनिया नहीं है बबल। जानू 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 क्या है नबील, क्यों चिल्ला रहे हो? जानू एक सवाल है। क्या सवाल है? जानू सिर्फ 20,000 का सवाल है। 20,000? होश में तो हो? हाँ जानू, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तुम पेट्रोल से चलते हो नबील? नहीं नहीं जानू, लेकिन गाड़ी तो पेट्रोल से चलती है ना यार। तो गाड़ी कहाँ है हमारे पास नबील? वही तो जानू, पहले पेट्रोल खरीद कर जमा करूंगा, फिर जब एक साल का पेट्रोल जमा हो जाएगा फिर गाड़ी में बैठूंगा। अच्छा, और ये गाड़ी कहाँ से आएगी? जानू पापा जी जिंदाबाद। मैं बड़ा खुददार आदमी हूँ, पेट्रोल मैंने अपनी जेब से डलवाना है, पापा जी से नहीं कहना मैंने। वाह नबील, पापा कितना इम्प्रेस होंगे तुम्हारी इस खुददारी से। आई नो जानू आई नो, जल्दी से पैसे दो। शट अप नबील। ओके जानू, ओके 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 ओके, या अल्लाह उठा ले मुझे, नहीं खूबसूरत को भी नहीं, पापा जी को उठा ले ताकि मुझे कुछ मिले, मुझे कुछ मिले। आधा वर्ष करते हैं अब्बू। अरे कुछ नोट किया आपने? अब्बू कह रहा अब्बू। किसकी अब्बू? इसके अब्बू, बेचारा अपने अब्बू को याद कर रहा है। भाई बड़ा ही अफसोस हुआ, कब फौत हुए इसके अब्बू? अरे भाई इसका बाप बिल्कुल जिंदा है, खैर खैरियत से है। जिंदा है? माफी चाहते हैं। अम्मी ये माफी क्यों मांग रहे हैं? पता नहीं बेटा, कोई जरूर गुनाह किया होगा इन्होंने। अरे बहुत ये फरमाइए कि आप यहाँ तशरीफ क्यों लाई हैं? मैं आपको क्यों बताऊं? क्योंकि हम इसी घर में रहते हैं। और कौन कौन रहता है इस घर में? जी हाँ, मुस्तकीम, जोजी बेगम, मुमताज बहन, महमूद साहब, खूबसूरत और नबील यही रहते हैं। हाँ नबील, मुझे प्लीज नबील से मिलवा दे, मैं उन्हीं को बताऊंगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। अरे भाई यकीनन उन्होंने आपसे उधार पकड़ा होगा, हमारे भी 800 रुपए उनके जिम्मे हैं। जो खुदा झूठ न बुलवाए तो कयामत के कोई 2-3 हफ्ते बाद देंगे वो हमें। आइए हम आपको लिए चलते हैं उनके पास, आइए तशरीफ लाइए, आइए ना। यार महमूद साहब, आपके पास कुछ टूटे हुए 10-15 हजार है? 10 रुपए है बस। आइए आइए आइए, अब बेटा थक गया है तो उठा लो। अरे भाई नबील मियां, इधर बैठा हूँ। अरे नबील मियां देखिए आपसे कौन मिलने आया है। अरे यार मुस्तकीम साहब, मैं फैंस को घर में नहीं मिलता, मेरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। आप लोग एक काम करें, आप लोग नीचे जाएं, मैं ऊपर बालकनी से हाथ हिलाऊंगा। नबील मैं रानी हूँ। सलाम रानी साहबा, आपने हीरों का हार बख्शिश में मुझे अनायत करी। और महमूद साहब को खीरों का छिले हुए। मेरे धोखेबाज शोहर ने आज तक मुझे फूलों का हार नहीं दिया तो हीरों का हार कहाँ से देगा? अच्छा तो राजा साहब आपके साथ नहीं आए? मैं रानी हूँ, इस नबील की बीवी। वकील पितर, तूने ना रानी से शादी कर ली, अब हम लोग महलों में रहेंगे। इनका सिर्फ नाम रानी है दादी। और कौन दादी? ये आपका पोता है और ये नबील मेरा शोहर। 14 साल पहले हमारी शादी हुई थी, फिर एक दिन ऐसे बुलबुले में काम मिल गया और ये हमें जोड़कर चला आया। बड़ी मुश्किल से इस लोकेशन का पता मिला है मुझे। और पुत्र तेरा नाम क्या है? मेरा नाम चांद है दादी। नबील नहीं रखा था, ये हमेशा से बोलता था अगर बेटा हुआ तो चांद और बेटी हुई तो चांदी नाम रखेंगे। नबील ये सब क्या है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जानू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, 14 साल पुरानी बात है, तुम्हें पता मैं कितना बुलक्कड़ हूँ। तो बहुत साथ लाई हूँ मैं अपने, ये देखो हमारा निकाह नामा, देखे देखे सब देखे, और अगर अब भी यकीन ना आए ना तो ये इस चांद का DNA टेस्ट करवा ले, करवा ले। परेशान ना हो, आप ऐसा कीजिए आप हमारे साथ तशरीफ लाइए, हम आपको दूध पत्ती पिलाते हैं। आइए ना प्लीज आइए। चलिए आइए बेटा चांद, तुम ना दादी के साथ खेलो, मैं आती हूँ। दादी अच्छी सी चाय तो हम भी पिला सकते थे। हाँ तो जाए जाए, 2 कप अच्छी सी चाय ना। अभी कोई 1-1.5 महीना पहले तक हम 4-4 सीढ़ियां फलांग के उतरा करते थे बहुत फुर्ती से। आइए तशरीफ लाइए ना, आइए बैठिए। बिल्कुल इजी मुस्तकीम जी। सॉरी कौन है ये? ये रानी है। रानी कितने दी? मेरा नाम रानी है और मैं नबील की बीवी हूँ। हाय नबील ने दूजा ब्याह कर लिया? मुझसे पहले शादी की थी, दूसरी तो उस चुड़ैल से की थी। मैं और मेरा बेटा तो 14 साल से इंतजार कर रहे हैं नबील का। ओए मुझे तो पहले ही पता था ये नबील का बच्चा कोई ना कोई घोल जरूर खिलाएगा, पर तूने फिक्र नहीं करनी,
तूने अपने हक के लिए लड़ना है। जब तक तुझे तेरा हक नहीं ना मिल जाता, तू यहीं रह। मैं एक रुपया नहीं लूंगी तुझसे किराए का। अरे चाची बेगम, आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप इनसे एक रुपया भी नहीं लेंगे? मैं बड़ी रहम दिलो मुस्तकीम, एक रुपया नहीं लूंगी इससे। हाँ, पर जब इसे इसका हक हुक मिल जाएगा तब बैठ के सारा हिसाब किताब कर लेंगे। पर अभी तो ये सोचना है कि इसने अपना हक लेना कैसे। मैं तो 14 साल से ना ले सकी अपना हक, अब कैसे लूंगी? आप लोग नहीं जानते मैं कितनी दुखी हूँ। आप फिक्र बिल्कुल ना कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, हम आपके साथ है ना। हाँ जी बिल्कुल मुस्तकीम बेटा, तुम्हारे साथ है। जैसे एक बाप नहीं होता अपनी धी के साथ। लेकिन हम करेंगे क्या? वो करना की है, एक चंगा जा वकील करांगे हैं। और अगर फिर भी नबील बाज ना आया तो फिर तू खुदकुशी की तमकी दे देना। खुदकुशी? आहो करनी थोड़ी है, ऐसे डराना डरूना ही है। अब कान खोल के गौर से मेरी गल सुन। जानू मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो नबील, तुम 14 साल से शादीशुदा हो और तुम्हारा एक छोटा सा बेटा भी है। जानू यकीन करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। ख्वाब? नबील वो औरत निकाह नामा साथ लेकर आई है। जानू या तो 14 साल पहले मेरे सर पे चोट लगी थी और मेरी याद चली गई थी, या अब मेरी याद चली गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। झूठ। अबू अबू चले ना बाहर चलते हैं। ओए खबरदार तू मुझे अबू का। अबू फिर आप बता दें, डैडी कहूँ या पापा कहूँ, जो आप बोले। ओ भाई तू मुझे कुछ ना बोल, मेरे बाप चुप कर जा। मेरे बाप तो आप हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे, देखो शर्ट भी तुम्हारी तरह छोटी छोटी पहनी हुई है इसने। जानू इसकी तो टी शर्ट छोटी नहीं है, ये तो लंबी है। और मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं आज से लंबी टी शर्ट ही पहनूंगा, बस तुम मेरी बात मान लो। आप टेंशन ना ले, मैं समझाता हूँ ना छोटी अम्मी को। व्हाट? मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। हाँ हाँ मुझे पता है, मेरी अम्मी तो नीचे है, आप तो मेरी छोटी अम्मी है ना। बेटा चुप कर जा, खुदा के लिए चुप कर जा। देख अगर तू चुप करेगा ना तो मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। दादू 10 रुपए में क्या होता है, कम से कम 100 रुपए देना। नहीं जी, ये तो सच मुच में नबील की औलाद। तू रो नहीं पुत्र, तेरे दादाजी अभी गधा जी बनेंगे तो तू उस पे सवारी करना। मेरा ख्याल है तुम मुझे घोड़ा कहना चाह रही हो, मैं तुम्हें घोड़ा लगता हूँ? नहीं लगते तो आप मुझे उड़ने वाले सांप हैं, मगर पोते की खातिर अगर आप खच्चर बन जाएंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा। खबरदार जो मुझे घोड़ा गधा खच्चर कुछ भी कहा तो मैं आपको भालू बोलू दादा। अच्छा बाबा ठीक है, तुम मुझे दादा ही कह दिया करो। यार क्या हो गया, आप लोग इससे लाड़ियां लाड़ियां कर रहे हैं, उधर खूबसूरत मुझसे बात नहीं कर रही, वो बस के रिवाज लाड़ी लाड़ी खेलना। अब्बू इन्होंने तो मुझे अभी तक कुछ भी नहीं खिलाया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओए मेरा बच्चा क्या खाएगा, मुझे बता, अपने पोते के लिए दादी अभी लेकर आएंगी। ओ माँ जी ये आपका पोता नहीं है यार। मैं हूँ उनका पोता, शर्त लगी? नबील अरे ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह शर्तें लगा रहा है। लो जी अब तो 100% मुझे यकीन हो गया कि ये तुम्हारा ही बेटा है। जाओ यार जाके बाहर खेलो, चलो निकलो। 14 साल से तो अकेले खेलते हुआ हूँ, आज मैं अपने अबू के साथ खेलूंगा। अच्छा भाई तू जा यार, मैं आ जाऊंगा, मैं आता हूँ, चल। आ जाना वरना मैंने इलाके की मस्जिद में ऐलान करा दूंगा आपका। ले भाई रवि तेरी औलाद लग रही है भाई। यार मैं हूँ साहब, वैसे आपस की बात है, कुछ कुछ मुझे इस बच्चे पे प्यार आ रहा है। वो जो तुम्हें कुछ कुछ आ रहा है वो इस बच्चे पे प्यार है? हाँ जी। अच्छा जी। का कुछ करो भाई। नबील ने अब तक मुझे मेरे बच्चे को तस्लीम नहीं किया, अब मैं कहाँ जाऊँ अपना बच्चा लेकर? ओए हाय तू कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, तू यहीं रहेगी। वो तेरे पास तो नबील का वारस भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये जो चांद है ना ये हू बहू नबील मियाँ है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने चीज खरीदने के लिए हमारे हाथों पे हाथ मार के हमसे उधार लिया। हाँ मेरे फ्रिज का तहला भी बांध दिया उसने, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि फ्रिज में कुछ था ही नहीं। हाँ चांद बिल्कुल नबील पे गया है, लेकिन क्या करूं उस बेचारे को अब तक अपने बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। ओए हक मांगने से ना मिले ना तो खो लेना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? ओए करना क्या है, मैं तो कहती हूँ खूबसूरत को ऐसा सबक सिखा कि उसके होश ठिकाने आ जाए। भाई हमारी माँ ने हम तो कहते हैं कि सुलह सफाई कर ले और मिलजुल कर रहे। ना क्यों कर ले सुलह सफाई, कोई जरूरत नहीं है,
जहाँ जाके उसका मुंह ना उछले। अभी गई है लान में, उठ 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 उठ, मैं जाती हूँ। हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ। चाहिए नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। तू की बैंगन कदी अंदर तक कदी अंदर। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। देखो मैं तुम्हें समझाने आई हूँ कि मैंने 14 साल बहुत कुर्बानी दे दी है, अब और नहीं। अब मैं अपना हक लिए बगैर नहीं जाऊंगी। नबील से कहो मुझे और चांद को अपना ले। वो तुम्हारा शोहर नहीं है। अच्छा अगर वो शोहर नहीं है तो ये चांद कहाँ से आया? सारा दिन जानू जानू करके मुझसे 1000 वादे क्यों किए उसने? क्या नबील तुम्हें भी जानू कहता था? हाँ लेकिन काम चोर बहुत है। और मुफ्तखोर भी, और थोड़ा छिछोर और दिल फेंक भी। तुम्हें तो सब पता है उसके बारे में। हाँ क्योंकि 14 साल से उसकी बीवी सिर्फ मैं ही हूँ। तो वो ये शादी कबूल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तुम अमीर हो ना। मुझसे हमेशा कहा करता था नबील कि जानू काश तुम्हारे अब्बा जो है ना वो परचून के दुकान के मालिक ना होते बल्कि एक फैक्ट्री के मालिक होते। हाँ उसे तो शुरू से ही अमीर ससुर चाहिए था जो कि उसे मिल गया। देखो तुम्हें मानना ही होगा कि मैं उसकी बीवी हूँ 14 साल से, वरना मैं बहुत बहुत सख्त कदम उठाऊंगी। कहाँ है मेरी चप्पल? मैं इतना मुंह क्यों लमका के बैठी है तबसम? खूबसूरत खूबसूरत मेरी पहली बारी बहू। शहजादी है शहजादी। अरे वो रानी है मुमताज। हाँ वो मुमताज महल की रानी है। इतने सालों पाला है मैंने आप लोगों को। मुझे तो मेरी माँ जी ने पाला है, तू कहाँ से माँ बन रही है मेरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। नबील यहाँ पे मैं सोच सोच के पागल हो रही हूँ और तुम इस बच्चे को लेकर घूम रहे हो। छोटी अम्मी ये देखे अबू ने मुझे कितनी सारी चीजें दिलाई हैं। बोलो मेरे पुत्र, दादी को कुछ खिलाओ ना। दादी अबू मतलब कि आप लोगों ने इस बच्चे को अपनी फैमिली में मान लिया है? जानू मैं तो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत लेके गया था इस बच्चे को ये चीजें दिलाने के लिए। भाई मुझे तो 100% यकीन हो गया कि ये बच्चा नबील का है, क्योंकि नबील तो किसी पराए बच्चे पे टका ना खर्च करे। आओ ना आओ तो। यार सब क्या कर रहे हैं यार, उधर खूबसूरत बहुत नाराज है, आप जबरदस्ती मुझे यहाँ ले आए, हद होती है यार। अरे मैंने तुम्हारा अचार डालना है कोई नबील, मुस्तकीम साहब ने बुलाया है तुम्हें। मुस्तकीम साहब अगर आपने मुझे अपना कोई घटिया शेर सुनाया ना तो मेरी पहले हटी हुई है, मैंने आपकी ना तुन्नी पे टक्कर मार देनी है। अरे भाई एक शेर क्या होता है, अब तो पूरा दीवान लिखेंगे आपकी कहानी पर। फिलहाल तो हम आपको खबरदार करने के लिए हाजिर हुए हैं। किस चीज से खबरदार? जोजी बेगम से। उन्होंने कसम उठा रखी है कि वो रानी को इंसाफ दिला कर रहेंगी। अगर मैं नबील की जगह पे होता ना तो फौरन उन दोनों को कबूल कर लेता। ओ बस कर दे महमूद साहब, अपने सोए हुए अरमान मत जगाएं, अपनी उम्र देखें और अपनी ख्वाहिशें चेक करें। अरे क्या हुआ मेरी उम्र को भाई, मैं कोई अभी इतना बुढ़ा थोड़ा हो गया हूँ? हो सकता है किसी अगली एपिसोड में राइटर को मुझ पे तरस आ जाए और ऐसी ही कोई भोली भाली सी लड़की मेरी बीवी बन के आ जाए। है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, राइटर के पैसे मार लूंगा। अरे देखिए हजरात, जॉर्जी बेगम रानी को इंसाफ दिलाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती हैं। भाई मुझे कोई मसला नहीं है उन्हें कबूल करने में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा कि ये वाला निकाह मैंने कब किया था। अरे भाई जल्दी से याद कीजिए वरना जॉर्जी बेगम याद दिला देंगी। क्या नानी? अरे भाई राना की तो नाना थे, नानी किधर से आ गई? ये नानी नानी क्या है भाई? वो तो नाना नाना थे। एले, काट। प्याज के अलावा ना सब कुछ काट लूंगी। ओ चलिए इससे तूने अपनी नबस काटनी है। क्या ओए सच्ची मुच्ची थोड़ी कटनी, ड्रामा करना है बस। ओ अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ। तू जरा ठहर जा मैं बुलाती हूँ उसे। खूबसूरत खूबसूरत चेतिया एमरजेंसी हो गई है। ना 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 ऐ नहीं करना तू, मैं तुझे ये गुनाह कभी नहीं करने दूंगी। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ये क्या कर रही है ये? ना ना पुत्र ना, तूने खुदकुशी कर ली ना ते बेचारी खूबसूरत जेल चली जाएगी। मैं जेल क्यों जाऊंगी? क्योंकि मैंने लिखकर रख दिया है कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। देखो मुझे इन सब चीजों से दूर रखो प्लीज, तुम्हें जो कहना है ना नबील से कहो। ना कर ना कर, बिल्कुल ना करी कुछ, चल छोड़ दे। तो टूर गई हो देते थे असर ही नहीं होया। ये तो बड़ी जालिम है लेकिन मैं भी अपना हक लेकर आऊंगी। दे दे। चांद चांद जानू मैं
तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा वो निकाह मैंने कब किया और क्यों किया। वहाँ वो औरत खुदकुशी की धमकी दे रही है मुझे और तुम कह रहे हो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। जानू मेरे पीछे तो पहले भी बहुत सारी लड़कियों ने खुदकुशी की कोशिश की है, मैं अब तुम्हें क्या क्या बताऊँ। शट अप नबील। ओके जानू। अरे 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 तुम कहाँ चली आ रही हो? मैं और मेरा बेटा अब यहीं रहेंगे। अबू कहानी सुनाए ना। ओ यहाँ पूरी की पूरी फिल्म चल रही है, तुझे कहानी की पड़ी है, चल निकल यहाँ से। हम दोनों कहीं नहीं जाएंगे, मैं और मेरा बेटा अब यहीं रहेंगे इसी कमरे में। नबील। जी जानू। भाई तुम तो चुप करो, मैं अपनी बीवी को जानू कह रहा हूँ। मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ, देखो या तो मुझे अपना लो या तो फिर आजाद कर दो। ठीक है, मैंने तुम्हें आजाद किया। ऐसे नहीं मिस्टर, याद है ना शादी में मेरा हक में पूरे 5 लाख रुपए था, वो भी अदा करो और साथ साथ इसका खर्चा भी। ना रखो इसको अपने पास ही रखो। रखो अबू, मैं तो छोटी अम्मी के साथ ही रहूंगा। क्या 5 लाख? ओ मेरे शेर पुत्र, देखिया मैं 5 लाख हक में। मेरा हक में सिर्फ 50,000 था जो अब तक नहीं मिला। तू तो हर वक्त मेरे पुत्र की वो करती रहती है। वो क्या? वही जो मैं अपने मियाँ की बिल्कुल नहीं करती। इज्जत नहीं वो। अरे भाई चुप कर जाओ तुम लोग, खुदा के लिए तुम्हारी दोनों की आवाज नीचे जा रही होगी जो जिगेगा, और वो कितना खुश हो रही होगी। क्यों अपनी बेइज्जती करवा रही हो? हाँ, बेइज्जती हर वक्त मेरे पुत्र की बेइज्जती करती रहती है ये। ओहो मोमो तुम तो चुप करो यार। देखो खूबसूरत, तुम्हारे पास ना दो ही रास्ते हैं, या तो रानी और उसके बेटे को भी हमारी तरह घर में रख लो और यहाँ फिर उसे 5 लाख रुपया दे दो ताकि वो जाए। No way! अब मैं और मुफ्त में खाने वाले लोग इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँ। हेलो पापा। रानी चांद का है? यही कहीं होगा, मुझसे खफा हो गया था ना। ओहो अच्छा, ये रखो वैसे। हाँ। इसमें चांद का भी हिस्सा है। अलविदा रानी, अलविदा। अलविदा नबील। वैसे कभी अगर मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लेना। हाँ हाँ जरूर करूंगी, खूबसूरत को फोन करके बता दूंगी कि मुझे नबील की बड़ी याद आ रही थी। कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाओ, ऐसे फ्री हो रही हो जाओ। तुम चाह रहे थे कि तुम्हारे माँ बाप के साथ साथ तुम्हारे बीवी बच्चे को भी मेरे पापा पालते। यार वो तो तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चांद चांद जानो क्यों रोमांटिक हो रही हो सबके सामने? ओए तुम क्या कर रहे हो? चलो अपनी माँ के पास, निकलो। चांद जरा बताना अपने अब्बू को जो तुमने अभी हमें सब कुछ बताया। कौन सा अब्बू कौन सी अम्मी? ये अंकल तो हमें किराए पे लाए थे एक्टिंग करने के लिए, और मैंने उन आंटी से अच्छी एक्टिंग की थी ना कि नहीं की थी? मुझे तो पूरा यकीन था कि वो कुड़ी फ्रॉडन है और इस फ्रॉडिये से मिली हुई है, और फिर भी सारे पैसे आंटी को दे दिए उन्होंने। वो पैसे तो तुम्हारे लिए भी थे ना बेटा, क्यों नहीं समझ रहे? क्यों बंट कर रहे हो? क्या बेटा कह रहे? मैं आपका बेटा नहीं हूँ, और वो आंटी सारे पैसे लेके भाग चुकी है। अब मुझे मेरा हिस्सा दे। वो हिस्से के बच्चे भाग यहाँ से, क्योंकि मैं भी भागने वाला। भाग चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।